हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फोरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप जो डिजाइन देख रहे हैं वो स्लाइडिंग वार्डरोब का पल्लू है। तो इस प्रकार से डिजाइन आप कैसे बना सकते हैं, जिसे देखने जाओ तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ वुडन कलर का लेमिनेट लगा है और बीच में व्हाइट है ग्लोसी। तो इस प्रकार से डिजाइन हम बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में पूरा मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये स्लाइडिंग वार्डरोब का डोर है, यहाँ पे एक गरारी लगी है और एक गरारी यहाँ पे लगी है और ऊपर की साइज में इसका रोलर लगा है दोनों तरफ में और ये इसका लॉक है जिससे हमारा दरवाजा वहां बाजा के साइड में अटक जाता है। तो दोस्तों, ये वाले कबाट में दोनों पल्लू लगते हैं, तो मैं आपको इसका रैक दिखाता हूं। जहां पे हमारा गरारी चलता है ये इसका रैक है, यानी कि इसका पटरी है। दोनों एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। एक पल्लू इस पे चलेगा, एक पल्लू इस पे चलेगा और जो ऊपर वाला जो गरारी चलता है उसमें ऐसा खांचा बना हुआ आता है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो दिखाया था मैंने वो रॉड वाला है, स्टील वाला, तो इसमें आके फंस जाता है, तो लॉक हो जाता है, तो हमारा पल्लू यहाँ आके अटक जाता है। तो दोस्तों, पहले क्या करना है, व्हाइट लिमिट आपको जो हिसाब से रखना है इस हिसाब से काट लेना है। तो मैंने इसमें 18 इंच बीच में डालने का माप रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 18 इंच है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे 18 इंच में एक आधा सूत कम है, तो इस प्रकार से इसको 18 इंच काटने के बाद दोनों तरफ से धार बना लेना है। और इसके बाद क्या करना है, इसको लेमिनेट को पहले हमें ऊपर की धार में बराबर करके इस प्रकार से बराबर करने के बाद यहां पे पेन से निशान लगा लेना है और बाकी का हमें माप ले लेना है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 54 इंच है, 54 इंच में एक सूत कम है, तो इसका जो सेंटर दोनों तरफ का हिस्सा है उसका माप आएगा 27 इंच, यानी कि 27। तो उसको हम नीचे 27 इंच रख के उसका लेमिनेट जो है इसके ऊपर रख के काट देंगे। तो चलिए मैं आपको, तो दोस्तों आप कोई भी लेमिनेट का डिजाइन बनाए तो हमेशा नीचे से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा नीचे वाला हिस्सा है और इसको क्या करना है, दोनों तरफ से यहाँ पे पहले लेमिनेट को प्लस रख लेना है, ये ऊपर की धार में, यहाँ के साइड की धार में, इस धार में और यहाँ ऊपर भी, यहाँ पे भी प्लस कर लेना है, एकदम बिल्कुल सरफेस में रख लेना है। इसके बाद इसकी नीचे की जो धार है उसको थोड़ा हमें रंधा लगने लायक, यानी कि इसको लेमिनेट को थोड़ा हमें छीन के इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इतना थोड़ा सा आप रंधा से इसको छीन सके इतना बाहर रखना है इसकी धार करने के लिए। तो चलिए मैं आपको धार करने के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं धार को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें बना लिया है और आप देख सकते हैं इसमें मेरा उंगली अटक नहीं रहा है। तो इस प्रकार से इसको बिल्कुल फेस टू फेस कर लेना है और इसके बाद यहाँ से हमें जो मैंने माप बोला था आपको यहीं से 27 इंच ऊपर मार्क कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर लेमिनेट का जो हमने व्हाइट वाला पीस रखा है ये वाला, इसको हम बीच में रख के इसके सारे लेमिनेट के सारे लेमिनेट काट। दोस्तों यहाँ पे 27 इंच पर हमने मार्क लगा दिया है और एक मार्क इधर लगाने के बाद एक इधर लगाना है। तो दोस्तों मार्किंग लगाने के बाद हमें जहां पे मार्किंग लगाया है आप देख सकते हैं यहीं पे हमको लेमिनेट को रख देना है, जो हमें पीस इसमें फंसाना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे भी मार्किंग है। इसके बाद एक बार और आपको मेजर टेप से इसका मेजरिंग कर ले ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक बार चेक कर लेना है कि 27 इंच है, इसमें कोई 1 mm या कोई कम तो नहीं है ना। तो आप देख सकते 27 इंच है यहाँ पे और यहाँ पे भी बिल्कुल 27। इसके बाद इस प्रकार से प्लाईवुड के पट्टे से आपको जो ऊपर वाला सरमाई का है यानी कि लेमिनेटर, इसको दबा देना है। इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर से
काट लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से कटर को चलाना है ताकि कहीं उल्टा सुल्टा क्रैश ना पड़ जाए। तो इस प्रकार से लेमिनेट हमारा कट के अलग हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस पे रंधे से इसके धार को एकदम चिकना कर लेंगे ताकि इस धार के साथ ही बिल्कुल सही बैठ जाए। तो दोस्तों इस लेमिनेट का धार हमने बना लिया है और यहाँ से इसका थोड़ा लेमिनेशन जो आता है लेमिनेट शीट पर उसको थोड़ा सा हटा दिया है ताकि हम इसका नेस्टिंग टाइप इसको अच्छी तरह से चिपका सके। तो इसको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा ये जो माइका है इसको थोड़ा सा चौड़ाई में आपको दोनों तरफ से देख सकते हैं आधा इंच या तो पौना इंच बड़ा रखना है और दोनों तरफ बड़ा रखने के बाद इसको इस प्रकार से यहाँ पे भी इतना बाहर रखना है और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बाहर रख ले। इसके बाद दोनों को ऐसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसके ऊपर आपको मेजर मैस्किंग टेप लगा लेना है इस प्रकार से, एक बीच में लगा लेना है, इसके बाद यहाँ पे लगा लेना है और वो बीचों बीच एक आपको खड़ा टेप लगा देना है इस प्रकार से। ताकि हमारा ज्वाइंट यहाँ से अलग ना हो जाए। अब तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है कि इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पे वापस सरफेस कर लेना है और यहाँ पे भी सरफेस कंप्लीट रखना है और यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे यानी कि नीचे से बिल्कुल आपको सरफेस रखना है। इसके बाद वापस आपको इसके नीचे जो ये लेमिनेट पड़ा है इसको ऐसे नीचे ये लेमिनेट के नीचे फंसा लेना है एक इंच, इसके अंदर एक आधी इंच या तो आधा इंच आप जाने दे सकते हैं क्योंकि काटने के लिए आपको आसानी रहेगा। इसके बाद यहाँ इसको सरफेस कर ले ऊपर और नीचे दोनों तरफ में, और ऊपर तो हमेशा आपको लेमिनेट बड़ा ही रखना है क्योंकि हमारे पास जितना था वही हमने रख दिया है। इसके बाद वापस यहाँ से हमको इसको कटिंग करना है। तो इसको भी हम कटिंग कर रहे हैं, और इसका धार जो है रंधे से बना लेना है। ज्यादा रंधा नहीं लगाना है, सिर्फ धार को साफ ही करना है। इसके बाद दोस्तों यहां से इसका थोड़ा इसके ऊपर जो लेमिनेशन होता है इसको हटा देना है और वापस यहां पे जैसे जोड़ा है इसी प्रकार से इसको ऐसे ही जोड़ लेना है, मतलब यहाँ पे सरफेस रखना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको ज्वाइंट कर लेना है और इसके बाद ये दोनों तरफ जो लेमिनेट ज्यादा है आपकी इधर भी ज्यादा है और इधर भी ज्यादा है, इसको क्या करना है लाइन पट्टा रख के इसको काट लेना है दोनों तरफ से। तो इस प्रकार से पट्टा रखने के बाद इस प्रकार से दोनों तरफ से काट लेना है तो ये एक बराबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक साथ में हो गया है। ऐसे ही बिल्कुल इस तरफ से भी काट लेना है। तो दोनों तरफ से दोस्तों हमने काट लिया है, इस तरफ से भी आपके सामने काट लिया और इस तरफ से भी काट लिया है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ काटने के बाद एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा लाइन में एकदम। और इससे पहले क्या करना है, इसको धार में कम्प्लीट आपको एकदम फेस टू फेस रख के काटना है और इसके बाद यहाँ पे फेस टू फेस रखने के बाद ऊपर का इससे भी हमें मार्क करके यहां से हमें बॉल पेन का निशान लगाने के बाद यहां से बिल्कुल काट लेना है दोनों तरफ से। तो दोस्तों इसको हमने यहां से 1 mm इतना बड़ा रखने के बाद इसको काट लिया है और नीचे इसको फेस टू फेस रखा है। आप इसको दो तरीके से पेस्टिंग कर सकते हैं, अगर बीच में आपको 0-0 रखना है इसका ज्वाइंट तो आपको वाइस चाहिए, आपके पास वाइस होने चाहिए। अगर आपके पास वाइस नहीं है तो ऐसा लकड़े का गुटके में छोटा ऐसा खिली डालने के बाद इसको आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से होता है। जैसे कि जो हमारा टीवी यूनिट है इसमें हमने लकड़ी के गुटके से इसको लेमिनेट को पेस्टिंग किया है, तो आप देख सकते हैं इसमें बीच में खिली जितना इसमें जो थोड़ा सा फाक है तो इतना इसमें ग्रो रहेगा। तो इसको क्या करना है, लकड़ी के जो ऐसा टुकड़े होते हैं इसमें एक खिली लगा के इसको पेस्टिंग कर लेना है बीच में लगा के। इसके बाद में आपको वाइस वाला दिखाता हूँ,
वॉइस से इस प्रकार से पेस्टिंग होता है, इसमें कोई ग्रू ब्रू नहीं रहता, बिना बिल्कुल ग्रू के एकदम बिल्कुल फेस टू फेस चिपक जाता है। तो इस प्रकार से आपको वॉइस और गुड के से भी आप पेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं पेस्टिंग करने के बाद आपको पूरा दिखाऊंगा कि वॉइस को किस तरह से आपको पेस्टिंग करना है। तो दोस्तों हमने लेमिनेट पेस्टिंग कर दिया है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, इसमें मिक्सिंग टेप लगा दिए और एक वो पड़ा है सामने। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, दोनों को हम उसके ऊपर उल्टा सुलटा रख देंगे और इसके बाद इसको चारों तरफ ये हमारा जो वॉइस पड़े है ये सारे सिगरे इसके बीच में लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों पल्लू उल्टा सुलटा रख लेना है, आप देख सकते हैं एक नीचे है एक ऊपर है और बीच में जो हमारा लेमिनेट है जो कलर वाला वो बीच में है। इसके बाद आपको ऐसे वॉइस लगा लेना है। तो वॉइस लगाने के टाइम आपके पास कोई भी फालतू लेमिनेट का पीस पड़ा हो तो उसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ रख लेने से क्या होता है कि जो वॉइस का ताकत होता है इसके कारण इसके अंदर गहरा खड्डा बन जाता है। तो लेमिनेट के कारण आपको खड्डा नहीं बनेगा और आपका लेमिनेट ऊपर वाला जो है व्हाइट वो भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों बस इस प्रकार से इसको लगाना है और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।